विक्की रोहित सुसाइड मामले में कांग्रेस की जांच कमेटी दमोह पहुंची, जिसने उनके परिजनों से चर्चा की। बाद में सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश चौधरी ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के कारण दमोह में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और कोई काम नहीं कर पा रहा है। सत्तारूढ़ दल के कारण कानून व्यवस्था निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जब विक्की रोहित के द्वारा लगातार न्याय की गुहार की जा रही हो, प्रशासनिक अधिकारियों से जिले के प्रमुख फुट विभाग के अधिकारी हों, जिला प्रशासनों की उनके साथ जो है जास्ती कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग दबाव में उसकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो वह इसलिए सुनवाई नहीं होती है कि वह अनुसूचित जाति वर्ग का कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, और जिस सहजोर वर्ग के व्यक्ति होने के कारण इन लोगों ने इतना दबाया कि उसने अपनी जान देना पड़ी और सुसाइड नोट में उसके नाम लिखे, जिन लोगों के नाम लिखे उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने की अपेक्षा उन पर गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें जेल में डालने की अपेक्षा यहाँ मंत्रिपरिषद में बैठे लोग इस पूरे मामले को CID को सौंपते हैं, इसलिए कि वह मामले को रफा दफा किया जाए, आरोपियों को बचाया जाए। इस मामले में ये प्रथम दृष्टा पाया गया है कि यहाँ पर निष्पक्ष रूप से कानून प्रक्रिया काम नहीं कर पा रही है सत्तारूढ़ दल के दमन के कारण। कमलनाथ जी ने इस बात को गंभीरता से लिया कि ऐसी गंभीर मामले में जहां दलित अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के उत्थान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं के सत्तारूढ़ दल के लोगों की प्रताड़ना से अपनी जान गंवा रहे हों, तो कमलनाथ जी ने हमारे साथ हमारे विधायक जी हमारे साथी सदस्यों को यहां भेजा और हम लोगों ने यह मौके पर पाया है। वह जो चिंता कमलनाथ जी को थी वो आज हम लोगों को सच मायने में यहाँ देखने को मिली है कि यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के लोग प्रताड़ित होकर मारे जा रहे हैं और सत्तारूढ़ दल के लोग उसको उस मामले को रफा दफा करने के लिए CID को सौंप रहे हैं। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी भूमिका संदिग्ध है। हम सब चाहेंगे कि इस मामले को लेकर निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच की जाए, पीड़ित को उसको राहत राशि दिलाई जाए, पीड़ित के परिवार जो आश्रित हैं उनके जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनको न्याय, उनके लिए आजीविका चलाने के लिए उनको नौकरी दी जाए। और इस मामले में चूँकि सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल के लोग और सरकार में बैठे लोग शामिल हैं, सो इसको निष्पक्ष तौर पर CBI से या जुडिशियल एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जो इस कार्रवाई को लेकर विरोध जताया था, उन्होंने कहा कि पुलिस की सेवाएं नहीं लेंगे न्याय मिलने तक, उस बयान को आप कैसे मानते हैं? अगर सच मायने में केंद्रीय मंत्री जी इतने संजीदगी से इस बात का बयान रख रहे हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वह अगर उन्हें यह स्पष्ट कर रहे हैं वो कि उन्हें राज्य की पुलिस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, वही बात तो कांग्रेस कह रही। इस मामले में राज्य की पुलिस व्यवस्था पर भरोसा ना करते हुए जब केंद्रीय मंत्री को भरोसा नहीं है तो विपक्ष को कैसे भरोसा रहेगा? हमें तो केंद्रीय मंत्री पर भी भरोसा नहीं और राज्य के मंत्री परिषद पर भी भरोसा नहीं, इसलिए इस मामले की समूचे प्रकरण की जांच एक निष्पक्ष जांच एजेंसी जुडिशियली से कराई जाए या CBI से कराई जाए हमारी।